सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो प्रीवियस में आपने जो सैड स्टेटस देखा, जो सैड म्यूजिक पे ऊपर है, और ये जो सॉन्ग है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं सुना होगा तो कैसे पता होगा, है कि नहीं। लेकिन ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये सैड स्टेटस के साथ पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। और स्टेटस तो देख ही लिया प्रीवियस में, अच्छा लगा है कि नहीं। नहीं लगा तो कॉमेंट करके बताओ। तो इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको एलर्ट मिशन ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास एलर्ट मिशन ऐप नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, पिन क्या हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना है। टेलीग्राम पे HD स्टेटस, HD इमेजेस, फॉन्ट्स वगैरह इजीली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक करना है, सभी मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है, XML को एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद एलाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जो XML है सिंपल से ओपन कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे XML देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी ऐड है, सब लेयर्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, लेकिन 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 अगर आप यहाँ पे सिर्फ इमेज ऐड करके जाओगे तो आपका स्टेटस अच्छा नहीं बनेगा। इमेज कैसे ऐड करना है और कहाँ कहाँ ऐड करना है मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। सो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना, ये जो सॉन्ग है ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। डिस्क्रिप्शन चेक करना, सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। एक वीडियो का, उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड करना है। वीडियो को सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। उसके बाद वीडियो को डिलीट कर देना है, आपका साउंड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लेयर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारा लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आना है। यहाँ पे आपको दो लेयर देखने को मिलेगा, दोनों लेयर पे आपको यहाँ पे सेम इमेज ऐड करना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सेम इमेज को आपको यहाँ पे ऊपर भी ऐड कर लेना है। ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रिपल बिटमार्क पे आ जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल बिटमार्क है, ट्रिपल बिटमार्क पे आ जाना है। इस ट्रिपल बिटमार्क से आपको यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिपल बिटमार्क तक आपको यहाँ पे एक ही इमेज ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको और एक ट्रिपल बिटमार्क दिखाई देगा, आप देख सकते हो 22nd पे है और एक बिटमार्क, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिपल बिटमार्क से सेकंड ट्रिपल बिटमार्क के बीच में जितना भी लेयर है सभी लेयर पे एक इमेज ऐड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, ठीक है, वो वीडियो देखो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है। सेम इमेज को आपको नेक्स्ट ट्रिपल बिटमार्क तक ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो ट्विस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले दो तीन चार लेयर पे आपको इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है, आपको यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है।
आपको यहाँ पे 19.21 सेकंड पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉरी 20 सेकंड पे आ जाना है, पूरा 20 सेकंड पे आ जाना है। ऊपर आपको यहाँ पे दो लेयर देखने को मिलेगा और नीचे आपको यहाँ पे जो लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे वाले लेयर पे जो आपने इमेज ऐड किया था पहले, वही इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। इस वाले इमेज को देख सकते हो, इस इमेज को हम नीचे वाले लेयर पे ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, परफेक्ट 20 सेकंड पे आ जाना है पूरा, ठीक है। ये नीचे वाला लेयर है, नीचे वाले लेयर पे सेम इमेज ऐड करना है जो हमने पहले ऐड किया था, इसी इमेज को हमको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। नीचे वाले जो लेयर है इस पे हम इसी इमेज को ऐड करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे दो लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों लेयर पे आपको अलग इमेज ऐड करना है, ठीक है। लेकिन दोनों लेयर पे सेम इमेज ऐड करना है, लेकिन अलग इमेज, ठीक है। कैसे करना है ये देखो, दूसरा इमेज ऐड कर लिया, नीचे वाले लेयर पे भी यही इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से तुमको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। नीचे वाला अलग इमेज, ऊपर वाला दो लेयर पे अलग इमेज, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रिपल बिट मार्क है 20 सेकंड के बाद अलग इमेज ऐड करना है, ठीक है। जितना भी लेयर है ट्रिपल बिट मार्क के बाद, ठीक है, एंड तक पूरा एक ही इमेज ऐड करना है। जो आप इमेज ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक दो लेयर कर पे दिखा देता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसी इमेज को सिलेक्ट करके पूरा एंडिंग पॉइंट तक इसी इमेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि आपका स्टेटस पूरा अच्छा बने। अलग अलग इमेज ऐड करके जाओगे तो अच्छा नहीं बनेगा, देखने में खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी इमेज को आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा एंडिंग पॉइंट तक ऐड कर लेना है। जो भी आप इमेज ऐड करोगे ट्रिपल बिटमार्क से एंडिंग पॉइंट तक एक ही इमेज ऐड करना है, ठीक है। और जो भी मैंने इमेज यहाँ पे ऐड किया, यूज़ किया, सभी इमेजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना, सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर राइट साइड पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट दिखाई देगा, इससे पहले आपको वीडियो को इस तरीके से हाई रेजोल्यूशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।